फंगस की रोकथाम के लिए फंगीसाइड का स्प्रे किया जाता है। फफूंद नाशक जब हमारी फसलों में, सब्जियों में, बागवानी में फफूंद लगती है तो आप फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं। ज़्यादातर फसलों में अकेली यानी सिंगल ही फंगीसाइड दवा का स्प्रे किया जाता है। कुछ ऐसी फंगीसाइड हैं जिन्हें आपस में मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी फसल पर फंगस लगे हैं तो एक से ज़्यादा फंगीसाइड का आप मिक्स करके स्प्रे क्यों कर रहे हैं? अब ऐसा होता कि अलग अलग साल्ट को एक साथ दवाई ही जो कंपनी मार्केट में अलग अलग कंपनी मार्केटिंग करती हैं, यदि ऐसा होता मिलाने की कहानी तो कंपनी खुद तीन तीन चार चार साल्ट एक ही दवाई में मिलाकर आपको उपलब्ध कराती। लेकिन कुछ दवाइयाँ तो आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, उनकी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। लेकिन कुछ ऐसी फंगीसाइड हैं जिनको आपस में मिलाकर स्प्रे ना करें, मिक्सिंग ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो घोल फट भी सकता है, रिजल्ट कम मिल सकते हैं, फसलों में स्कॉर्चिंग आ सकती है जो कि सबसे बड़ी समस्या है, फसल में पीलापन, चाल रुक सकती है, यानी ओवरऑल फ़ायदा की जगह उल्टा हमको नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं वे कौन कौन सी फंगीसाइड हैं जिनको आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए, कौन से मॉलिक्यूल हैं, कौन से साल्ट हैं जिनको हम आसान भाषा में समझने वाले हैं और दवाइयों के नाम व्यापारिक नाम के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो साल्ट है, कॉम्बिनेशन है, थायोफेनेट मिथाइल जो 70% WP में आता है ना, अब इसे अलग अलग कंपनी दे रही हैं। जैसे बायो स्टेट कंपनी की रोको फंगीसाइड है, कोरोमंडल इंटरनेशनल की हेक्सा स्टॉप के नाम से आती है, कृषि रसायन की के नाम से आती है, टाटा की थीमी फिट के नाम से आती है, धानुका कंपनी की जेनेट, इसमें कासुगामाइसिन और थायोफेनेट मिथाइल का कॉम्बिनेशन है। तो थायोफेनेट मिथाइल जो 70% में आती है या फिर EC में है, SC में है या फिर किसी भी परसेंटेज किसी भी फॉर्म में यदि थायोफेनेट मिथाइल आ रही है और यह एक सिस्टमिक फफूंद नाशक है, यानी अंतर प्रभावी फफूंद नाशक है। इसके साथ आप इसको स्प्रे तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप क्लोरोथालोनिल 75% WP फंगीसाइड जैसे सिजेंटा कंपनी की कवच आती है, स्प्लैश आती है, कवच फ्लो आती है, टाटा की ईशान आती है, क्रिस्टल की सीनेट आती है, कोरोमंडल की जटायु आती है, यह एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। कभी कभी किसान क्या करते हैं कि थायोफेनेट मिथाइल को ले रहे हैं, यह एक सिस्टमिक है, क्लोरोथालोनिल को ले रहे हैं, यह एक कॉन्टैक्ट है, तो इन दोनों को आपस में मिलाकर स्प्रे करते हैं। तो इन दोनों को आपस में मिलाकर स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। दूसरा जो साल्ट है वो है थायोफेनेट मिथाइल के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जी हाँ, थायोफेनेट मिथाइल के साथ आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिलाकर बिल्कुल भी स्प्रे ना करें। जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% में आता ना, जैसे सिजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर है, धानुका कंपनी की धानु कॉप है, टाटा की ब्लीटॉक्स के नाम से आती है, जेयू की जेयू कॉक के नाम से आती है, सल्फर मिल्स की टॉप गन DF के नाम से आती है, तो कई कंपनी की कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को थायोफेनेट मिथाइल के साथ बिल्कुल भी मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए। नंबर 3, थायोफेनेट मिथाइल के साथ दोस्तों आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन जो आता ना, इसको मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए। कॉपर हाइड्रोक्साइड कई कंपनी देती हैं, जैसे डूपॉन्ट की कोसाइट 2000 के नाम से आती है, भारत सर्टिस कंपनी की जो कोसाइट 3000 के नाम से आती है इसको आप ले सकते हैं, कॉरटेबा की कोसाइट के नाम से आती है, यानी अलग अलग कंपनी की कोसाइट आती है। तो जब भी आप थायोफेनेट मिथाइल को ले रहे हैं तो इसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड को कभी ना मिलाएं। नंबर 4, मैंकोजेब के साथ आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड को नहीं मिलाना चाहिए। यानी किसी भी कंपनी की मैंकोजेब है, किसी भी परसेंटेज में है, तो मैंकोजेब के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड को ना मिलाएं। इसके अलावा नंबर 5, मैंकोजेब के साथ आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को भी नहीं मिलाना चाहिए। हो सकता है घोल तो ना फटे, लेकिन उसके रिजल्ट हो सकते हैं कम मिले या फिर स्कॉर्चिंग की समस्या भी आ सकती है। तो मैंकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आपस में मिश्रित करके स्प्रे ना करें। टेबुकनोजोल के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को भी ना मिलाएं। जैसे टेबुकनोजोल कई कंपनी की आती, लिस्ट तो आप देख ही रहे हैं, इसके साथ COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मत मिलाएं।
टेबुकोनाजोल के साथ आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड को भी नहीं मिलाना चाहिए। इसके अलावा पोजिटाइल एल्युमिनियम जैसे एलेट आती ना, इसके साथ भी आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं मिलाना चाहिए। यदि किसी प्रोडक्ट में कासुगमाइसिन है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, या फिर कोई और साल्ट है उसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, तो ऐसा भी आपको नहीं मिलाना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स को भी आपको नहीं मिलाना चाहिए। एक और आता है साइमोक्सिनिल और मैंकोजेब जो आता ना, इसके साथ भी आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं मिलाना चाहिए। मेटालेक्सिल के साथ आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को नहीं मिलाना चाहिए। इसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ टेबुकोनाजोल को भी नहीं मिलाना चाहिए। थायराम के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मत मिलाएं। इसके अलावा माइक्रोनाइज्ड जो सल्फर आती है, इसके साथ भी आपको मेटालेक्सिल को मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसके अलावा थायोफेनेट मिथाइल के साथ जो माइक्रोनाइज्ड सल्फर आती ना, इसको भी मिलाकर प्रयोग ना करें। इसके अलावा जो रोको फंगीसाइड आती है, रोको फंगीसाइड के साथ आप जैसे कस्टोडी आती है, इनको मिलाकर स्प्रे करने से भी स्कॉचिंग की समस्या आ सकती है। तो यह वो फंगीसाइड हैं जिनको आप आपस में मिलाकर यदि स्प्रे करते हैं तो पीलापन, स्कॉचिंग, चाल बढ़वार और जो इंटरनोड्स की संख्या है उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। आपकी फसल में पीलापन जैसी काफ़ी अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो स्पेशल इन फंगीसाइड को तो आप आपस में मिलाकर स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। अब कौन सी फंगीसाइड को मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं, इसकी लिस्ट बहुत ही बड़ी है, लंबी है, तो उसकी वीडियो आने वाले समय पर चैनल पर अपलोड होने वाली हैं। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बहुत जल्द फंगीसाइड की और भी डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं। अब कौन से फंगस लगते हैं, उनके लिए कौन सी बेस्ट फंगीसाइड है, इसकी जानकारी के लिए हमारी यह वीडियो को ज़रूर ज़रूर वॉच करें, आपको काफ़ी नॉलेज बढ़ने वाला है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।